हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों, सनी देओल की कुछ आने वाली ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस में धमाका तो मचाएगा ही मचाएगा और इतिहास भी रचेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सनी देओल की आने वाली चार पांच बड़ी बड़ी फिल्में कौन कौन सी है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। अभी हाल ही में उनकी गदर 2 आई थी जिन्होंने 500 करोड़ का कलेक्शन किया था नेट इंडिया में। सबसे पहले जो जनवरी 2025 में आने वाली है लाहौर 1947, आमिर खान प्रोडक्शन की ये मूवी है। लाहौर पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर बेस्ड ये मूवी है और बहुत ही दिलचस्प रहेगा। गदर जैसी वाइब्स आएगी इस मूवी में तो, और सनी देओल हो और देशभक्ति मूवी हो तो धमाका तो मचने वाला ही है। एक और जो कि जबरदस्त मूवी आने वाली है और वो है बॉर्डर टू जो कि 1997 में आई थी उस जमाने में और इतिहास रचा था। जेपी दत्ता की फिल्म थी और देखने वाली बात होगी कि इस बार जेपी दत्ता ही डायरेक्ट करेंगे या कोई और करेंगे, कोई भी करे लेकिन बॉर्डर टू के नाम पे ही अपने आप चलने वाली है मूवी। बॉर्डर टू होगा, सनी देओल का कॉम्बिनेशन होगा, अपने आप में ही मूवी इतिहास रचने वाली है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आने वाली है वो है गदर 3। अभी ये पाइपलाइन में जरूर है, हालांकि अनाउंसमेंट हल्का सा कर दिया था जब अवार्ड लेने आए थे सनी देओल। डायरेक्टर जो अनिल शर्मा है उस समय बताया था कि हम गदर 3 भी ला रहे हैं, तो गदर 3 भी आने की उम्मीद है और गदर 3 2026 के आसपास आने की उम्मीद है। और उसके अलावा रामायण मूवी में भी आपको दिख सकते हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर के साथ रामायण में भी दिख सकते हैं। अब ये उनको कौन सा रोल मिलेगा रामायण में, ये दिलचस्प रहेगा कि उनको हनुमान का रोल मिलेगा या कोई और रावण का रोल मिलेगा या कोई और रोल मिलेगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हो सकता है कि वो रामायण में भी दिखे, तो ये भी एक एपिक मूवी होगी। और उसके अलावा और जो अगली फिल्म है वो सुनने में आ रहा है कि अपने 2 भी आ रही है, जो कि सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल की इससे पहले अपने आ चुकी है, कटरीना कैफ भी थी उसमें। तो अगले आने वाली फिल्म है अपने 2। तो ये सारे मूवीज आने वाली है सनी देओल की, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। सनी देओल जो कि पिछले काफी समय से खामोश थे, जो कि गदर 2 ने उन्होंने ऐसा वापसी किया, लोगों के दिल में ऐसे छा गए कि सनी देओल की मूवी ही अब देखना चाहते हैं वो, क्योंकि दूसरे हीरो की मूवी तो अब चल नहीं रही है, तो सनी देओल की मूवी धमाका करने वाला है। तो आप बताइए, आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? और हम तो सारे मूवी के लिए एक्साइटेड है, एक से बढ़कर एक उनकी आने वाली मूवी है। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।